मैं मास्क चाह रहा हूं उतारना, पर उतार नहीं पा रहा हूं इसकी बदबू के वजह से। प्रणाम। आज कुछ यूं ही मैं दिल्ली का दिल दिखाता हूं आपको। कभी सोचा नहीं था कि दिल्ली वालों का दिल ऐसा होगा। कुछ करीब से दिखाता हूं आपको, अंदाज़ा तो लग ही गया होगा पीछे देखकर, लेकिन कुछ करीब से देखिए। अध्यात्म के नाम पर जो ढोंग ओढ़ते हैं ना हम, उसका साक्षात दर्शन मैं आपको कराना चाहूँगा। आप यहाँ बिखरे कूड़े में अस्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि इसमें अध्यात्म कैसे झलक रहा है। जिनको हम पूजते हैं उनको किस हश्र पे छोड़ रखा है हमने। मैं सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि यहाँ भगवानों की तस्वीर जो है ना, उनको नज़दीक से दिखाएं। मिट्टी का बर्तन सब पूजा में उपयोग में आने वाले वस्तु हैं। और एक लंबी दूरी तय करते हुए जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही हैं, सिर्फ यह अध्यात्म बिखरा नज़र आ रहा है मुझे। कमाल के लोग हैं हम, क्या कमाल तरीके से अध्यात्म को ओढ़ते हैं। जब ओढ़ते हैं ना तो इतनी सुंदर तरीके से उसका प्रस्तुति, उसकी प्रस्तुति इतनी सुंदर कर देते हैं ना, लेकिन एक रात में वो अध्यात्म उतर जाता है। हर यमुना नदी, मतलब यमुना को क्या कर दिया है हमने। ये सफ़ेद जो बर्फनुमा ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये केमिकल है। और सच बताऊं बहुत तेज वाला ना गुस्सा आ रहा है। मैं मास्क चाह रहा हूं उतारना, पर उतार नहीं पा रहा हूं इसकी बदबू के वजह से। नदी का किनारा ना मुझे बहुत पसंद है, और मुझे जहां तक लगता है आप लोगों को भी पसंद होगा। दिल्ली से 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर के फासले को तय करके, और कुछ नहीं तो 300-400 किलोमीटर का फासले तय करके हम ऋषिकेश हरिद्वार चले जाते हैं, उस गंगा के दर्शन के लिए, उसके किनारे का आनंद लेने के लिए। जो दिल्ली में है वो देखिए क्या है। मैं क्या बताऊं आपको कि मैं शायद जितना कुछ बोल पाऊंगा ना, वो साक्षात आप दर्शन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और सरकार इसकी उसकी हमारी तुम्हारी में सिमट जाती है। ये यमुना जो है ना, मतलब शायद ये भ्रम पैदा करने वाली यमुना है। ये वो है, ये वो पानी है ना जो हम फैक्ट्रियों में घरों में प्रयोग करते हैं, उसका मुख्य, ये देखिए यही उसका एक विशाल रूप है उस पानी का। आपके गली मोहल्ले में नाला होगा ना, ये कह दीजिए एक बड़ा नाला है। यमुना तो है ही नहीं, और इसको विषाक्त किसने किया है। ये अध्यात्म के आडंबर ने। मैं मेरी बातों पे यकीन ना होगा तो आप यहाँ देखिए ना, आप खुद देखिए, साक्षात दर्शन कीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि मतलब कितने हम अजीब हैं ना, हर छोटी बात के लिए रूठ जाते हैं, हर छोटी बात के लिए एक ज़िद पे अड़ जाते हैं। अमूमन कुछ ना कुछ ज़िद पे अड़ कर और उस मांग को पूरा करवा लेते हैं, और हम अपनी बहुमूल्य धरोहर को ज़ाया कर रहे हैं। आप वक्त निकालिएगा, होगा आपके पास वक्त। कोरोना ने बहुत दे दिया है वक्त लोगों को, एक बार झांकने तो आ जाइए, शायद ज़मीर जाग जाए। सरकार तो पूर्ण रूपेण इसकी जिम्मेदार है, पर समाज भी कहीं उस जिम्मेदारी के दायरे में आता है। हमारा प्रयास है, ये आप पुल देख रहे हैं, एक इधर भी पुल, मैं कैमरामैन से कहूँगा वो मेट्रो नज़र आएगी, वो हमारी हमारे प्रगति की निशानी है, और ये हमारी दुर्गति की निशानी है। मैं तो कहता हूँ आपसे आग्रह है कि इस रविवार, शनिवार, किसी भी वार को ना वक्त निकाल कर एक बार यमुना के घाट का ना, आप मेट्रो को देखिए ना, वो मेट्रो जो चल रही है
वो प्रगति की निशानी है। ये दन दनाती ये जो गाड़ियां हैं ये भी हमारी प्रगति की निशानी है, और उसी के नीचे हमारी दुर्गति की निशानी अनवरत रूप से बहती जा रही है, और हम एक आपको मैं अभी मुझे नज़र गया, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये शिवलिंग जिस पे विराजमान होते हैं आप देखिए वो किस हालात में और किस बद सलीके से, ये अध्यात्म है, छलावा ओढ़ते हैं हम अध्यात्म के नाम पर। जिसे देखा नहीं उसे खुदा कहते हैं, और जो सामने हैं उससे जुदा होते हैं। तो मतलब वो जो साक्षात हम देख रहे हैं, आप जागिए, आप जागेंगे ना तो ही सरकार जागेगी। आप मतलब हम मतलब समाज, और मैं चाहता हूँ कि ये एक आंदोलन का रूप ले। यमुना सरकार के आंकड़े में 2023 तक 90% साफ हो जाएगी, पूत के पांव न पालनी में नज़र आ जाते हैं। हम बहुत दूर हैं, और अभी भी ना जागे ना तो बहुत देर हो जाएगा। प्रणाम। Thank you.